आज हमारे पास एप्सन का इको टैंक L3250 ऑल इन वन वाईफाई प्रिंटर है। इस प्रिंटर का करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कैसे मोबाइल से प्रिंट किया जाता है और साथ ही साथ लैपटॉप में कैसे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। इस प्रिंटर का यूज होम, ऑफिस, स्मॉल बिजनेस के लिए कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हमने बॉक्स से ये प्रिंटर निकाल लिया है और पहले हम समझते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो इसके साथ 003 कलर इंक बॉटल मिलेगा 4, और एक पावर केबल मिलेगा, और कंप्यूटर से अटैच करने के लिए एक डेटा केबल मिलेगा। उसके साथ एक कुछ मैनुअल और इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सीडी मिलेगी। इसको हम साइड में कर देते हैं। पहले इसमें जितने भी टेप्स लगे होंगे, जो भी ये ब्लू कलर के टेप्स हैं, इन सभी टेप को हटा लेंगे। हटाने के बाद उसके बाद हम इसको समझते हैं। दोस्तों, हमने इसका इस पे जो भी ब्लू टेप लगा था हमने हटा लिया है और पहले समझते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो दोस्तों, ये एक जो 3250 मिलेगा ये ब्लैक कलर में आता है। और इसके बॉडी के बारे में बात करें तो पहले इसका आगे का साइड देखते हैं। तो यहाँ पे एक आउटपुट ट्रे मिलेगा, उसके बाद अगर पेपर फंसता है तो यहाँ पे एक ट्रे मिलेगा, जिसको इसको हल्का सा ऊपर करेंगे ये उठ के इसी पे रह जाएगा। जैसे कि इसका पिछला जो मॉडल था 3150, उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा अलग से एक ऑप्शन बढ़ा दिया है जिससे कि आप इसको उठा के रख सकते हैं। पहले में क्या था कि यहाँ पे एक दो स्क्रू दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे एप्सन का बैजिंग, इसका मॉडल नंबर रहेगा, यहाँ पे इको टैंक का लेवल लगा रहेगा, यहाँ पे इंक टैंक है और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस खाने में कौन सा कलर डाला जाएगा। पीछे के साइड में एक इनपुट ट्रे मिलेगा जिसमें मैक्सिमम A4 साइज के पेपर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वेस्ट पैड लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये भर जाता है तो यहाँ से खोल के इसको चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पे पावर के लिए, पावर केबल लगाने के लिए, और एक डेटा केबल लगाने के लिए। अब बात करते हैं इसके बटन्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सी बटन दिया हुआ है। यहाँ पे जो पहला बटन है ये पावर बटन है, इसे ऑन ऑफ करने के लिए। एक वाईफाई के लिए बटन दिया हुआ है, वाईफाई की सेटिंग करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। उसके बाद एक फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करने के लिए और एक कलर फोटोकॉपी करने के लिए दिया हुआ है। और ये जो लास्ट है, ये लास्ट में कैंसिल बटन है। उसके बाद यहाँ पे दो लाइटें दी हुई हैं, अगर इंक का कोई एरर आता है तो इंक वाली लाइट जलेगी, अगर कोई पेपर फंसता है तो नीचे वाली लाइट जलेगी। तो चलिए इसमें पहले हम इंक डालते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना बताते हैं। इसमें इंक रिफिल करने के लिए इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे जो चार खाने हैं इनके ढक्कन को बारी बारी से इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे जो भी ब्लैक दिया हुआ है, उसके बाद येलो दिया हुआ है, मैजेंटा और सियान, तो इनमें बारी बारी करके वही कलर उसी खाने में हम डालेंगे। तो पहले हम ब्लैक वाले खाने में हम ब्लैक इंक डालेंगे और ये जो बॉटल है ये 65 ml का मिलेगा। और इसका जो नोजल है, नोजल इस पिछला जो प्रिंटर था उसमें दबाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है कि ये नोजल है, इसको उल्टा भी करेंगे तो यहाँ से इंक गिरेगा नहीं। यहाँ पे रख देंगे, इस नोजल में फंसा देंगे तो ऑटोमेटिक जितना ये टैंक खाली रहेगा उतना इंक ऑटोमेटिक ये भर लेगा। तो वैसे तो पूरा अभी खाली है तो ये पूरा इंक खत्म कर लेगा। तो इसी तरह से बारी बारी सारे खाना में सारा इंक हम पहले रिफिल करते हैं। दोस्तों, हमने बारी बारी करके सारा इंक हमने इसमें भर लिया है, तो इसको हम बंद करेंगे और इस ढक्कन को भी हम बंद कर देंगे। जब भी इंक भरेंगे ख़त्म होगा तो यहाँ से दिखेगा कि कितना ख़त्म हुआ है, कितना भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखता रहेगा। अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले पहले इसमें पावर केबल लगा लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। पावर केबल लगाने के बाद ये पावर वाली बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों, पहली बार जब भी हम प्रिंटर को इंक डाल के जब चालू करते हैं तो चालू करने के बाद ये वाली लाइट जलेगी, लाइट अप डाउन करेगी, उसके कुछ देर के बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप वाली लाइट है ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये स्टार्ट हो गई, अब स्टार्ट हो गई तो इसके लिए यहाँ पे जो कैंसिल वाली बटन है इसको 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे। ये तब तक रखेंगे जब तक ये दोनों लाइट अप डाउन करना ना लगे। तो अब ये अप डाउन करने लगी, हम इसे छोड़ देंगे। ये लगभग 15 मिनट तक इंक को यहाँ से टैंक से हेड तक पहुँचाने में टाइम लगता है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो ये रेड वाली लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और पावर वाली लाइट कंटिन्यू जलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम समझ लेते हैं।
यह प्रिंटर ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर है और इसकी जो कनेक्टिविटी है वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट भी दिया हुआ है और यूएसबी केबल के थ्रू भी इसे कनेक्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर स्पीड देखी जाए तो इसकी जो स्पीड है 33 पेज पर मिनट ब्लैक एंड व्हाइट में देगा, वहीं पे अगर कलर में प्रिंट करते हैं तो यह 18 पेज पर मिनट के स्पीड से प्रिंट करेगा। दोस्तों अगर प्रिंटिंग कॉस्ट की बात किया जाए तो जब भी ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करेंगे तो 7 पैसा पर पेज पे ब्लैक की कॉस्टिंग आएगी, वहीं पे अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 18 पैसे पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। अब बात करते हैं पेपर सपोर्टिंग की, तो यह मैक्सिमम A4 साइज के पेपर को सपोर्ट कर पाएगा। वहीं पे अगर इसके पावर कंजप्शन की बात किया जाए तो इसमें मैक्सिमम 12 वाट का पावर कंज्यूम यह प्रिंटर करेगा। तो चलिए इस पर प्रिंट करके इसका चेक कराते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है वो भी सारी चीज़ें हम बताते हैं। प्रिंटर में पेपर लगा लेंगे, इसका हम पहले नोज़ल चेक करते हैं। नोज़ल चेक करने के लिए पहले इस प्रिंटर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद ये कैंसिल बटन को दबा के रखेंगे और उसके बाद ये पावर वाली बटन को भी दबा के कुछ सेकंड तक रखेंगे जब तक कि पावर वाली लाइट ऑन ना हो जाए। उसके बाद आप दोनों को एक साथ छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अभी एक यह नोज़ल के लिए एक पेपर खींचेगा, उसके बाद नोज़ल प्रिंट करके हमें देगा। तो इस तरह से इसका नोज़ल चेक कर लेंगे। नोज़ल में ये देखा जाता है कि जो भी हमने इसका इंक इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला है इसमें अगर कोई भी कहीं पर भी लाइन में अगर छूटा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंक पूरी तरह से इसमें इंस्टॉल नहीं है या पूरा तरह से इंक फिल नहीं है। उसके बाद ये कलर को भी वैसे ही देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कहीं पर भी कोई कलर छोड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से ये अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। और नोज़ल जब चेक करते हैं तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिखा देता है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेज कितना प्रिंट किए हैं, कलर पेज कितना प्रिंट किए हैं वो सारा यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा देगा। अब चलते हैं अपने मोबाइल से इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है उसको देखते हैं। तो पहले मोबाइल से कनेक्ट करने से पहले इस प्रिंटर का वाईफाई का पासवर्ड निकाल लेते हैं। पासवर्ड निकालने के लिए यहाँ पे दो बटन दिया हुआ है, वाईफाई और एक आई बटन। इन दोनों बटनों को प्रेस करके रखेंगे, लगभग तीन से चार सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे और ये तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक ये वाली लाइट अप डाउन ना करने लगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और ये अप डाउन करने के बाद ये एक सिंगल लाइट जलने लगेगी तो उसके बाद क्या करना है कि ये जो आई बटन है इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ये जब 10 सेकंड हो जाएगा तो तुरंत एक ऑटोमेटिक ये पेपर खींचने लगेगा। तो अब इस पे क्या है कि पूरा डिटेल प्रिंट करके देगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड इसमें वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई का नेम, वो सारी चीज़ें ये इस पेपर पे प्रिंट करके देगा। तो हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि इसका पासवर्ड वगैरह क्या है। यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो हमें ज़रूरत है इसका वाईफाई का पासवर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SSID में ये जो डायरेक्ट 3C लिखा हुआ है ये हमारे वाईफाई में शो करेगा और इसके नीचे जो पासवर्ड लिखा हुआ है ये पासवर्ड हम वहाँ पर टाइप करेंगे। तो चलिए पहले आप मोबाइल की तरफ चलते हैं, मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करते हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाने के बाद टाइप करेंगे एप्सन स्मार्ट पैनल और सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एग्री दिया हुआ है, एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ टू एक्सेस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर लोकेशन को एक्सेस करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर वाइल यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक वाईफाई या प्रिंटर को सर्च करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज है, मैसेज को हम पहले से लेस गेट टू स्टार्ट, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिक ये कर लेगा L3250 सीरीज का, तो हम इस पर सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई सेट के लिए उसके बाद इस पर भी यस पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। द प्रिंटर इज रेडी कनेक्टेड टू वाईफाई, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे गो टू बैक होम पे क्लिक कर देंगे, फिर ये वापस अपने पेज पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ नॉट सेलेक्टेड है, तो इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है कनेक्ट स्मार्टफोन टू प्रोडक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड टू वाईफाई, इस पे क्लिक करेंगे। ये सर्च करेगा, उसके बाद ये ऑप्शन शो कर दिया, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली आपके प्रिंटर से सेलेक्ट नहीं हो जाता है, तो इसके पहले जो ऑप्शन आ रहा था वाईफाई के लिए, तो क्या होगा कि आपके प्रिंटर में वाईफाई वाली बटन लाइट जलने लगेगी, तो वाईफाई बटन दबा देंगे तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। हमें दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो दबाना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉर्म एयर को ऑटोमेटिक ये अपडेट कर लेगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंटर को यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि ये प्रिंटर पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेलेक्ट एंड प्रिंट फोटोज़, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें आप सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर फ़ोटो को सेलेक्ट करने के लिए यानी कि प्रिंट फोटोज़ दिया हुआ है, इसे भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप इसके मोबाइल का ही यूज करके उसमें कोई स्कैनर में डॉक्यूमेंट रखेंगे उसको भी स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैप्चर, कॉपी, प्रेजेंट। उसके बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इन सारे ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाले को ये गोल बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से अलाउ कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे दे दिया है, देखिए आप यहाँ से मैसेज दिखा रहा है, आप देखिए वहाँ से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे रेटिंग के लिए मांग रहा है, तो हम यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे। तो हमने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट दिया है, एक इनवॉइस दिया था, वो इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से वाईफाई का सेटिंग अपने मोबाइल में कर सकते हैं, और इसी तरह से ये जितने भी हमने स्टेप बताए हैं, इस स्टेप को फॉलो करके वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करा के प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए, अब लैपटॉप से कैसे इसे कनेक्ट करा के प्रिंट किया जाता है, कैसे उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वो आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में राइटर है तो इस सीडी का इस्तेमाल करके इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपके लैपटॉप में ये चीज़ें नहीं है यानी कि ड्राइवर नहीं है, तो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो पहले क्रोम खोल लेंगे या कोई ब्राउज़र खोल लेंगे, टाइप करेंगे एप्सन L3250 ड्राइवर और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यह एप्सन का साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो भी लैपटॉप में विंडोज़ रहेगा वो डिटेक्ट कर लेगा। यदि किसी और विंडो के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से विंडोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा विंडोज़ 10 64 बिट है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, या ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर दिया हुआ है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के ड्राइवर आएंगे, एक स्कैनर के लिए अलग आएगा और एक प्रिंटिंग के लिए यानी कि ड्राइवर इसका अलग आएगा। दोनों को हम बारी बारी से डाउनलोड करेंगे, तो स्कैनर को भी डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आकर ड्राइवर को भी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, ये दोनों डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और इस तरह से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम डाउनलोड हो जाता है उसके बाद बताते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है तो हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला स्कैनर वाला है, यहाँ पे देखिए एप्सन स्कैन 2 है तो स्कैनर के लिए है, और ये नीचे वाला ड्राइवर है। तो हम बारी बारी करके दोनों को इंस्टॉल करेंगे, तो इस पर डबल क्लिक करके या ओपन भी राइट बटन क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे, ये ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नेटवर्क के ज़रिए इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर यूएसबी के थ्रू। तो यदि हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंटर का केबल है अपने लैपटॉप में प्लग इन करेंगे, इस तरह से प्लग इन करने के बाद
यहाँ पे यूएसबी को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। ये तुरंत सर्च करने लगेगा। सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये आइकन हट जाएगा। ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये कनेक्ट होकर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन एंड पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका। अब स्कैनर को इंस्टॉल करेंगे तो इसे भी डबल क्लिक करके उसके बाद रन पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं और कोई फाइल हम लिख कर प्रिंट कर दे रहे हैं, जैसे कि ये इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे और यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट करके उसके बाद प्रिंट देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो टाइप किया है वो प्रिंट हो चुका है। अब कुछ स्कैन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो अपने स्कैनर में इस पेपर को हम डाल लेंगे, उसके बाद स्कैन करके दिखाते हैं। तो स्कैन करने के लिए पहले हमें स्कैनर को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन स्कैन टू, तो इस पर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ से जो चाहेंगे, जिस तरह से अगर इसको स्कैन करना चाहते हैं उस तरह से स्कैन कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्कैनर को ओपन किया हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट है EL3250 सीरीज़ का। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रहने देंगे। डॉक्यूमेंट सोर्स स्कैनर ग्लास ऐसे ही रहने देंगे। जो पेपर है ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे रिजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हैं कि कितना रिजोल्यूशन पे आप स्कैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैक्स 1200 रिजोल्यूशन पे कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम पे ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेट। इमेज किस फॉर्मेट में आप स्कैन करना चाहते हैं, यहाँ PDF दिया है, JPG, यानी कि जिस फॉर्मेट में आप स्कैन करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देंगे। ये स्कैनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रिंटर में भी हलचल होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमने स्कैन किया यहाँ पे आ चुका है। इसे ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जो पेपर था हमने इसको उल्टा लगा दिया है, इसलिए ये उल्टा स्कैन किया है। अगर आपने इसे उल्टा स्कैन किया है तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप रोटेट करके सीधा भी कर सकते हैं। अपने लैपटॉप में किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, ये पूरा इसका प्रोसेस था। अब चलिए इस प्रिंटर को फोटोकॉपी करके चेक करते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम प्रिंट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्कैनर का कौन सा पेज का अप वाला साइड है और कौन सा डाउन वाला है। तो दोस्तों ये जो टैंक है, जिस साइड टैंक दिया हुआ है और यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है कि इस साइड ये है टॉप साइड है, पेपर का टॉप वाला है और ये नीचे डाउन का है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और इसे फ्लिप करके और यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बटन है इस पर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से जो ब्लैक एंड व्हाइट है पेपर को आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों की क्लियरिटी लगभग सेम है। उसके बाद हम कलर प्रिंट करते हैं, कलर फोटोकॉपी करते हैं। तो हमारे पास एक सैंपल है, ये टैली का एक बुक का रैपर है, इसको हम फोटोकॉपी करके देखते हैं। तो इसको भी हम रख के उसके बाद ये जो ब्लैक वाली बटन के बगल में जो कलर वाली बटन है इसको प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लैक एंड वाइट हमने फोटोकॉपी किया है तो वो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जैसे ही कलर वाला फोटोकॉपी करेंगे वो धीरे धीरे होगा। ये भी प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी भी जो प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इन दोनों की। तो दोस्तों इस तरह से जो भी हमने स्टेप बताया है, प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल से कैसे प्रिंट किया जाता है। दोस्तों जिस प्रिंटर में वाईफाई नहीं है उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस प्रिंटर को या 3250 प्रिंटर को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।